डीप वाटर एक इरोटिक थ्रिलर है। ये कहानी एक जेलस पति और आवारा पत्नी की प्यार भरी दास्ता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस अजीबोगरीब कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विक और मेलिंडा एक खूबसूरत कपल है। अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ लुइजियाना के किसी मामूली से टाउन में रहते हैं। इस लोकेलिटी में हर कोई एक दूसरे को अच्छे से जानता है। यहाँ रहने वालों में विक सबसे अमीर है। सेना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रोन्स में कंप्यूटर चिप्स बनाने का काम करता है। अब रिटायर हो चुका है और इंडिपेंडेंट ऐप डेवलपर है। विक की लाइफ पूरी तरह से सॉर्टेड है। एक खूबसूरत लैटिनो पत्नी है, एक प्यारी सी छोटी बेटी है। किसी को और क्या चाहिए। लेकिन ये फैमिली ऊपर से जितनी खूबसूरत दिखती है, असल में है नहीं। विक ने कई साल पहले जब मेलिंडा से शादी की थी, तब उनके बीच एक अनकहा समझौता हुआ था। विक मेलिंडा की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी जैसे जीती आई है वैसे ही जी सकती है। हालांकि विक को उम्मीद थी कि शादी के बाद मेलिंडा थोड़ी जिम्मेदार हो जाएगी, लेकिन अब कई साल बाद भी एक बेटी हो जाने के बावजूद वो किसी बैचलर वाली जिंदगी ही जी रही है। हर कुछ दिन में उसका किसी लड़के के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। उन पर विक के कमाए पैसे उड़ाती है। एक दिन पड़ोसी की एक पार्टी में मेलिंडा ने एक लड़के जोएल को भी इनवाइट किया। आजकल वो उसका नया बॉयफ्रेंड है। विक भी वहां सबके सामने उन्हें एक दूसरे से लिपटते चिपटते देख सकता है। उसने मेलिंडा को छूट दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जलन नहीं होती है। अपने पति के सामने ही अगर कोई पत्नी किसी और से करीबी बढ़ाए तो देखने वालों को भी यही लगता है कि उसका हस्बैंड फिजिकली इनकॉम्पिटेंट है। पर क्या सच में विक इनकॉम्पिटेंट है या फिर मेलिंडा ही आवारा जुगनू है? लेकिन जब विक के दोस्त भी मेलिंडा के इस बर्ताव पर बातें करने लगे, तब विक ने उस नए बलखाते इतराते मजनू जोएल से बात की और कहता है कि लगता है तुम्हें यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या तुमने मार्टिन मैक्रे के बारे में सुना है? तब मार्टिन कहता है कि हाँ, वही आदमी ना जो कुछ समय से मिसिंग है। तब विक कहता है कि वो भी उसकी पत्नी का दोस्त था, काफी मिला करते थे, अच्छे दोस्त थे दोनों। विक कहता है कि मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर जोएल की तो हवा टाइट हो गई, खून ठंडा हो गया, सारा हार्मोन दिमाग से तलवे पर उतर आया। वो पार्टी बीच में ही छोड़कर वहां से चला गया। मेलिंडा को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है, जोएल अचानक से पार्टी छोड़कर क्यों भाग गया। जरूर विक ने ही उसे कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। मेलिंडा के लिए जिंदगी का मतलब केवल मौज मस्ती है। उसे तो अमेरिकन सोसाइटी भी रिग्रेसिव लगती है। उसे यहाँ और खुलापन चाहिए। मेलिंडा के उलट विक शांत स्वभाव का है, एक इंटेलेक्चुअल है। उसकी बेटी ट्रिक्स भी अपने बाप पर ही गई है। उसका मन पढ़ाई लिखाई और साइंस में ज्यादा लगता है। बाप बेटी में अच्छी बनती है। अगले दिन जब विक अपने दोस्तों से मिलता है, वे उसे कहते हैं कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी पत्नी कितनी चौपट किस्म की औरत है। अगर वो इसी तरह गॉसिप करता रहा कि उसने मार्टिन मैक्रे का मर्डर किया है तो किसी दिन बड़ी समस्या में पड़ जाएगा। जब मेलिंडा को इस गॉसिप के बारे में पता चला, तब वो उसे कोसती है। कहती है कि मार्टिन उसका अच्छा दोस्त था, ना जाने उसके साथ क्या हुआ होगा, किस हाल में होगा बेचारा। वो इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है कि उस पर जोक मार रहा है? क्या उसे सर नहीं आती है उसने मार्टिन के बारे में जो कुछ भी कहा है? इसके लिए उसे जोएल से माफ़ी मांगनी होगी, और ना सिर्फ माफ़ी मांगनी होगी, उसे डिनर पर इनवाइट भी करना होगा। मेलिंडा के बुलाने पर जोएल भी डिनर में आ जाता है। अब कोई डर नहीं, क्योंकि जो कुछ भी विक ने उस दिन कहा था सब एक तरह का मजाक भर था। मेलिंडा भी इतनी खूबसूरत है कि जोएल से रहा नहीं गया। अगर विक की कहानी में थोड़ी सच्चाई भी है तो भी उसकी खूबसूरत पत्नी के लिए इतना रिस्क उठाया जा सकता है। लेकिन जब देर रात तक जोएल घर पर ही रुका हुआ था, तब विक ने अकेले में उससे कहा कि उसने सच में मार्टिन मैक्रे को एक हथौड़े से मारा था, और वो इस बात पर कॉन्फिडेंट है। इस बार जब जोएल वहां से गया तो फिर कभी मेलिंडा से नहीं मिला। होशियार था, बेमतलब में उसके साइकोपति से क्यों उलझे। एक शादीशुदा औरत के लिए जान खतरे में डालना अच्छा आइडिया नहीं है। एक दिन उस लोकेलिटी में एक लेखक रहने आया। उसका नाम डॉन विल्सन है। उसकी एक जवान पत्नी है। इस वेलकम पार्टी में लोकल्स ने पहली बार विक का एक अलग ही रूप देखा। राइटर की पत्नी के साथ वो डांस कर रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि विक डांस भी कर सकता है। नेचुरली वो बड़ा खुश नजर आ रहा है। इतना हल्का तो वो अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ भी नजर नहीं आता है। जब मेलिंडा की फ्रेंड्स इस बारे में बातें करते हैं,
तो मेलिंडा को बड़ी चिढ़ होने लगती है। घर लौटते वक्त वो विक की अच्छे से खबर लेती है, कहती है कि गाड़ी एक्सीडेंट करा देगी। एक दिन विक को बैंक से फोन आता है कि उसकी पत्नी ने एक चेक इशू किया है, पर उसकी पत्नी के अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं। अगर वो इस अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर दे या ओवरड्राफ्ट का परमिशन दे तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा। विक पूछता है कि मेलिंडा ने किसके नाम पर चेक इशू किया है। तब बैंकर बतलाता है कि कोई मिस्टर चार्ल्स डिलायल हैं, पियानो लेसन की फी पेमेंट के नाम पर चेक काटा गया है। अमाउंट पूछने पर पता चलता है कि यह $3,000 है। पियानो लेसन के नाम पर यह एक बहुत बड़ी रकम है। विक समझ जाता है कि आजकल उसकी पत्नी मेलिंडा चार्ल्स डिलायल नाम के किसी म्यूजिक टीचर के चक्कर में है और उस पर उसके कमाए पैसे उड़ा रही है। मेलिंडा का फिर से वही सब शुरू हो गया, नशे में धुत, लेट से घर आना, घर और बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं। विक के लिए अच्छा है कि उसे डाइवोर्स दे दें, कम से कम चैन से जी सकेगा। लेकिन विक भी अलग ही मिट्टी का बना है। कोई भी दूसरा आदमी होता तो मेलिंडा को लात मारकर घर से निकाल देता, भले डाइवोर्स के नाम पर आधी प्रॉपर्टी चली जाती, पर सम्मान के साथ जीना भी एक चीज होती है। अब तो हद हो गई, एक पूरी रात मेलिंडा घर नहीं आई। लगता है मामला सर के ऊपर जाने लगा है। विक के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ करती है, जरा भी शर्म नहीं है। जब विक के एक दोस्त के घर में पार्टी हो रही थी, मेलिंडा ने वहां अपने बॉयफ्रेंड चार्ल्स डिलायल को भी बुला लिया। वो एक म्यूजिक टीचर था, सो उसने पार्टी में समा बांध दिया। स्विमिंग पूल में भी एक दूसरे से लिपटने चिपटने लगे। ये सब देख देख कर विक का दिमाग खराब होने लगा था। जी तो कर रहा है कि दोनों को मारकर इसी पूल में डुबा दे। यहाँ हर कोई नशे में है, मेरुआना से लेकर शराब तक सब कुछ अवेलेबल है। विक ही एकमात्र ऐसा इंसान है जो नशा नहीं करता है। पर ट्रेजेडी तो ये है कि पूरे होशोहवास में उसे अपनी पत्नी को किसी और के साथ फ्लर्ट करते देखना पड़ रहा है। तभी अचानक जोर की बारिश होने लगी और सब भागे भागे घर के अंदर चले आए। थोड़ी देर बाद मेलिंडा ने नोटिस किया कि उसका बॉयफ्रेंड चार्ल्स कहीं नहीं दिख रहा है, सो वो उसे ढूंढने लगी। जब उसने बाहर देखा तो देखती है कि चार्ल्स पूल में डूबा हुआ है। बाद में विक ने ही उसे पूल से निकाला और उसे CPR भी दिया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वो काफी देर से पूल में डूबा हुआ था, फेफड़े पूरी तरह पानी से भर चुके थे। जब पुलिस आती है, मेलिंडा कहती है कि इसे उसके पति नहीं मारा है, वो एक साइको है। लेकिन पुलिस को ऐसा नहीं लगता है, देखने से ये एक हादसा मालूम पड़ता है। नशे में डूबकर उसकी मौत हुई है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन मेलिंडा की ही तरह उस राइटर को भी ऐसा नहीं लगता है। उसने घटना के बाद मेलिंडा के दिमाग में ढेरों ऊटपटांग थ्योरी भर दी कि उस रात क्या क्या हुआ होगा। इस बारे में राइटर की पत्नी ने ही विक को बतलाया कि उसका पति मेलिंडा के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर रहा है। तब एक दिन विक ने मेलिंडा से पूछ ही लिया कि अगर उसे लगता है कि उसके सारे दोस्तों को उसने ही मारा है तो वो उससे डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती है। उसके साथ रहते हुए क्या उसे डर नहीं लगता है? अगर वो कातिल है तो उसे भी मार सकता है। तब मेलिंडा कहती है कि उसे उससे डर नहीं लगता है क्योंकि वो उसकी विक्टिम कभी नहीं हो सकती है। वो तो उसकी हत्या करने की वजह है, उसी की वजह से वो दूसरों की हत्या करता है। मेलिंडा के खाली दिमाग में ये सारा मसाला उस राइटर ने ही भरा है। इतना सोचना उसके बस की बात ही नहीं थी। जब विक ने देखा कि मेलिंडा ने राइटर के अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट ट्रांसफर किया है, तब वो बैंक रिसीट लेकर उसके घर पहुंच गया और उसे और उसकी पत्नी और बेटी के सामने ही बड़ा बेइज्जत किया और कहा कि वो उसे हत्यारा साबित करने पर क्यों तुला है। विक ने उसकी पत्नी को बतलाया कि इसने और मेलिंडा ने उसके ऊपर एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर रखा है। अब तो हद ही हो गई है, पूरे टाउन में ये गॉसिप घूमने लगे हैं कि विक ने अपनी पत्नी के नए आशिक चार्ल्स डिलायल की पूल में डुबाकर हत्या कर दी है। उसकी बेटी के स्कूल में भी बच्चे पूछा करते हैं कि उसके पिता ने ऐसा कैसे किया होगा, इसलिए एक दिन छोटी ट्रिक्स भी अपने पिता से ये बात पूछ ही लेती है कि उसने आखिरकार चार्ल्स को डुबाया कैसे। लेकिन विक उसे समझाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, अगर वह ऐसा करता तो पुलिस उसे पकड़कर हमेशा के लिए जेल में डाल देती। चार्ल्स के मरने के कुछ दिन बाद ही मेलिंडा का फिर से नया अफेयर शुरू हो गया। आखिर वो कब रुकेगी? ये लड़का मेलिंडा का स्कूल फ्रेंड है और अब एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन चुका है। टोनी पहला ऐसा लड़का है जिससे मिलने पर विक को भी लगता है कि इसमें थोड़ा दिमाग है। उसने उसे अपने घोंघे के फार्म भी दिखलाए जिसे उसने बड़े शौक से बनाया है। एक दिन विक टोनी से रास्ते में यूं ही मिल गया
और कहता है कि मेलिंडा काफ़ी समय से ये प्लान कर रही थी कि एक आउट हाउस बनाए। टोनी भी फ्री था इसलिए उसके साथ साइट देखने चला गया। विक उसे उस जंगल वाले रास्ते में ले गया जहां वो हर रोज साइकिलिंग के लिए जाया करता है। वो आज बड़ी रफ गाड़ी चला रहा था, जाहिर है कि उसका मूड ठीक नहीं है। जब वे उस साइट पर पहुंचते हैं, विक एक पत्थर उठाकर टोनी के सर पर मारता है। टोनी समझ जाता है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन विक ने आज तक किसी पर रहम नहीं किया है। उसी ने मार्टिन मैकरे को मारा था और लाश जंगल में फेंक दी थी। उसी ने उस पियानो टीचर चार्ल्स डी लायल को भी पूल में डुबा कर मारा था। अगर जोएल उसकी बात ना मानता तो वो उसे भी मार कर कहीं ठिकाने लगा देता। आज बारी उसकी है, वो टोनी को छोड़ेगा नहीं। उसने पत्थर से कुचल कुचल कर टोनी को मार डाला और पास की ही नदी में उसकी डेड बॉडी को पत्थर से बांध कर डुबा दिया। फिर अगले दिन उसी जगह पर अपनी पत्नी और बेटी को पिकनिक पर ले आया। यहाँ मेलिंडा पूछती है कि आखिर वो ही एक ऐसा आदमी क्यों है जो उसके साथ रहना चाहता है। हर कोई उसे एक समय के बाद छोड़ देता है। तब विक कहता है कि उसे नहीं पता है, असल में मेलिंडा को छोड़कर कोई जाता नहीं है, बल्कि विक उन्हें वहां भेज देता है जहां से वे कभी नहीं लौटते हैं। आज तक ना जाने उसने कितनों को मारा है और आगे कितनों को मारेगा। यहाँ विक नोटिस करता है कि टोनी की डेड बॉडी पानी में ऊपर आ गई है, इसलिए अगले दिन फिर से इसे ठिकाने लगाने वापस उसी जगह लौटता है। लेकिन इस बार उसकी किस्मत खराब है, उसे राइटर डॉन विल्सन डेड बॉडी के साथ देख लेता है। तब राइटर जान छुड़ाकर वहां से भागता है। कार में भागते हुए वो जितना डरा हुआ है उतना उत्साहित भी है, क्योंकि उसकी थ्योरी सही निकली। विक हर उस आदमी को मारता है जो उसकी पत्नी के करीब आता है, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, पर अंदर से वो एक नंबर का साइको है। विक भी अपनी साइकिल से डॉन का पीछा कर रहा है और पहाड़ी से शॉर्टकट लेकर सीधे डॉन की कार के सामने आ जाता है। तब डॉन कार का स्टीयरिंग तेजी से घुमाता है और कार पहाड़ी से नीचे कूदा देता है। राइटर डॉन विल्सन का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। इस तरह विक की करतूत के एकमात्र गवाह की भी मौत हो गई। इधर घर में मेलिंडा ने जब विक के घोंघे के फार्म में थोड़ी ताका झांकी की तो उसे वहां टोनी का पर्स मिला। वो देखते ही समझ गई कि विक ने टोनी को मार दिया है, यानी वो हर उस आदमी को मारता है जिससे उसका अफेयर होता है। लेकिन मेलिंडा ने पुलिस को इसकी खबर नहीं दी, बल्कि सबूत जला दिए। वो समझ गई कि उसके पति की तरह उसका आशिक उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पर क्या वो अब भी सुधरेगी या फिर उसके पति के हाथों किसी और की जान जाएगी? इसी अप्रत्याशित संभावना के साथ ये साइकोटिक कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।